नमस्कार। नमस्कार। व्यू आ रहा है सही? पीछे से कोई बोझ नहीं है दिक्कत व्यू में, या मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे करूं? बिल्कुल ठीक है, लाइव हो गया, आप लाइव होने वाला है, हो गया। नमस्कार। उपस्थित कला प्रेमियों का मैं वरुण उपाध्याय हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्पीक मै के रेंडेवू सीरीज के क्राफ्ट एंड आर्ट सेक्शन में के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध गोंड चित्रकला के प्रख्यात कलाकार श्री वेंकट रमन सिंह श्याम जी। वेंकट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्पीक मैडी की तरफ से। मैं आपका थोड़ा सा परिचय करा दूं सबसे। श्री वेंकट रमन सिंह श्याम जी एक कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट हैं जो म्यूरल्स, एचिंग्स, मिक्स मीडिया और एनिमेशन के क्षेत्र में काम करते हैं। स्वर्गीय श्री जनगढ़ सिंह श्याम जी, जो गोंड कला के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार माने जाते हैं, उनके सानिध्य में आपने अपनी अनूठी शैली का विकास किया। मध्य प्रदेश के सिझोरा गांव के गोंड प्रधान परिवार में जन्मे श्री वेंकट जी सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने चारकोल के टुकड़ों और अखबार के स्क्रैप का इस्तेमाल कर अपने घर की दीवारों को उन सभी स्केच से सजाया जो उन्होंने अपने गांव में देखी थी। आपने बड़े पैमाने पर भारत और दुनिया भर की यात्रा कर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपकी इलस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी फाइंडिंग माई वे, जो 2016 में प्रकाशित हुई थी, उसकी प्रशंसा पीएन गोस्वामी और जॉन बर्गर जैसे प्रसिद्ध आर्ट हिस्टोरियंस ने भी की है। आपने इटली, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सिंपोजिया में भाग लिया है, जहां आपको क्वींसलैंड आर्ट गैलरी में म्यूरल करने के लिए कमीशन किया गया था। अब मैं आप सबको गोंड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, बाकी जानकारी वेंकट जी खुद देंगे। गोंड भारत के सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक है जो मध्य भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। इनमें से मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में निवासरत प्रधान जनजाति का एक समूचा परिवार गोंड चित्रकला का काम कर रहा है। उनकी कलाकृति की विशेषता है उसकी जटिल डिजाइन, स्टोरी टेलिंग और पेड़ों और जानवरों जैसे प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग, जिसका अर्थ लोक कथाओं और गोंड संस्कृति में निहित है। शुरू में गोंड चित्रों को केवल घरों की दीवारों पर बनाया जाता था, जो धार्मिक विश्वास और भावनाओं को दर्शाता था, पर पिछले कुछ वर्षों से ये चित्रकला अन्य माध्यमों पर भी की जा रही है। आपको 4 अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार, अपने तारा डगलस द्वारा बनाई गई एक गोंड फोकटेल पर एक एनिमेटेड फिल्म के लिए कोऑर्डिनेटर भी थे आप। इसके लिए 2007 में दो स्कॉटलैंड के इनवरनेस फिल्म फेस्टिवल में टॉलेस्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन की ट्रॉफी जीती थी। 2010 में आपको कारीगर संस्कृति अवार्ड वेस्ट बंगाल में मिला और 2015 में आपको ओजस आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपके 4 पब्लिकेशन अभी तक आ चुके हैं, जिनमें 2009 में एक किताब आई थी जिसका नाम पेंटेड सॉन्ग्स एंड स्टोरीज बाय जॉन एच बाउल्स। 2016 में आपकी एक पुस्तक आई फाइंडिंग माई वे, जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। 2016 में ही एक और किताब आई मैजिक फॉर द सोल, और 2019 में अभी आपकी जो सबसे लास्ट में अभी पब्लिश हुई वो थी गांजा महुआ क्रॉनिकल्स। इसके अलावा भी कई सारे पब्लिकेशंस में आपका उल्लेख हुआ है। आपके एग्जीबिशंस और यात्राओं की लिस्ट का बहुत लंबी है, मैं इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट का नाम लेना चाहता हूँ। इसमें गज महोत्सव दिल्ली 2018, मेनी विजन मेनी वर्जन यूएसए इन 6 मेट्रो सिटीज बिटवीन 2017 टू 20, पैच ऑफ ब्लू न्यू दिल्ली 2015, सिंगापुर में 11-12-2016, आरण्यकास हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली, पर्सपेक्टिव गैलरी वर्जीनिया टेक ब्लैक्सबर्ग यूएसए, आर्ट क्वार्ट्जू इन कोरिया 2014,
सकहन एग्जीबिशन ऑफ इंडिजिनियस आर्ट फॉर्म्स ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ कनाडा ओटावा 2013, जनगढ़ कलम गैलरी अंडर न्यू पेरिस सोलो शो ऑफ मैन जेथे देरे एट म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड भोपाल मैसूर एंड वनिकटप्पा आर्ट गैलरी बैंगलोर. ऐसी बहुत सारी अदर एग्जीबिशंस और सोलो शोज आपने किए हैं पूरे विश्व भर में, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. तो एक बार फिर से आपका स्वागत और हम शुरू करते हैं. सबसे पहला प्रश्न जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो मैंने पढ़ा या समझा अभी तक, ट्राइबल आर्ट जो कि पिछले कई वर्षों से आदिवासी जीवन का अंग रहा है, लेकिन पिछले 40 वर्षों से ही एक विशेष कला के रूप में पहचाना गया है. इस कला के पीछे की एक कहानी है जिसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं. कि सबसे पहले तो हमें इसके मूल तत्व में जाना होगा, क्योंकि ये कला 40 वर्ष पुरानी नहीं कह सकते, ये बहुत पुरानी कला है. और ये मैं ऐसा मानता हूँ, और बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो आदि कला है वो गुफाओं से लेकर के आज के समय तक के, मतलब वो निरंतर चली आ रही है. तो ऐसा माना जाता है कि जो गोंड पेंटिंग है और जो गोंड लोग हैं वो अपने जीवन काल में जिस तरह से जहाँ जिस स्थिति में रहे वो अपने इर्द गिर्द के होने वाले वातावरण के साथ साथ अपने आचार व्यवहार या जो भी उन्होंने किया उसको उन्होंने दर्शाया. धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो सिविलाइज होते गए वैसे वैसे उनका स्वरूप, उस चित्रकला का जो चित्र का आकार है वो भी बदलता गया, और साथ साथ उसके तरीके भी बदलते गए और रंग रूप भी बदला. क्योंकि पहले गुफाओं में जिस तरह से दो रंगों से पेंटिंग किया या चित्र बनाए गए, उसके बाद फिर जब मिट्टी के घर बने तो उसमें मिट्टी के रंग और मिट्टी से ही चित्र बने. लेकिन विगत 40 वर्षों के पहले 1980 के दशक में यह कला जब जानी गई, जिसके बारे में जगदीश स्वामीनाथन जिन्होंने भारत भवन को बनाया, वो जब इस बात को जाने तो जनगण सिंह श्याम को भारत भवन लेकर के आए, और वहाँ से फिर ये कला का एक नया रूप सामने आया जो आप सबके सामने. इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि जब जनगण सिंह श्याम भारत भवन आए तो उन्होंने उस कला के बारे में या रंगों के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था जिसको वो किए. बाद में उन्होंने उसमें प्रयोग किए, जैसे कि स्क्रीन प्रिंटिंग है या लिथो है या एचिंग है या और सारे काम है, जिस काम को करके उन्होंने अपनी कला को एक नया रूप दिया, नया रंग दिया, जिससे ये कला एक विभिन्न स्वरूप में आकर के एक अपना स्वरूप बनाया और पूरे दुनिया में इसको लोगों ने सराहा. तो ये इसकी जो पिछले 40 वर्ष की जो कहानी है ये इस तरह से है. दूसरा, ये मतलब 20-22 हज़ार साल पुरानी कला है, लेकिन सिर्फ 40 वर्षों से ही इसको जाना गया है. जी इस गोंड आर्ट को सामने लाने में ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए थे बैरियर एल्विन, उनका बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इसका उल्लेख अपनी पुस्तक एक गोंड गांव में जीवन में किया था. हमें उनकी भारत यात्रा एवं उनकी गांधी जी और जमुना लाल बजाज जी से जो मुलाकात हुई उसके बारे में कुछ बताएं. देखिए, जो बैरियर एल्विन थे वे 1927 में सबसे पहले हिंदुस्तान आए, जब उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद में वो पादरी के रूप में यहाँ पर आए. और यहाँ पे उनको दरअसल जो क्रिश्चियन धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था. तो वो यहाँ आए 1927 में, और जब वो 1928 में गांधी जी से जब मिले साबरमती में, तो उनका पूरा मन बदल गया, उनका एक प्रकार से स्वरूप चेंज हो गया, और उन्होंने
लगभग जो क्रिश्चियनिटी है या उसके धर्म है उसके बारे में काम करना उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में काम नहीं करूंगा और इसे इसका प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों को देखा, उनके आचार व्यवहार, उनके रहन सहन, सीधे साधे लोग, भोले भाले जो थे, उस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ अत्याचार नहीं कर सकता और इनको मैं इनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तो गांधी जी से इन्होंने सलाह लिया कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। उनके साथ काफी समय गुजारे, करीब 3-4 साल गुजारने के बाद में उन्होंने जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, जो मंडला जिला आज डिंडोरी जिला है, वहाँ पे करंजिया नामक गांव में आने का विचार किया। उसके पहले जो काफी समय वो गांधी जी के साथ रहे, उनके जो सहयोगी थे उनके साथ काम किए, वो वापस दिल्ली वापस अपने देश लंदन भी चले गए थे। फिर लंदन की सरकार, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यहाँ आने से मना किया था क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म के अगेंस्ट में थोड़ी बात की थी, उनके लिए कुछ पब्लिश किए थे पेपर, तो उनको यहाँ पे आने के लिए मना किया गया, उनका पासपोर्ट भी रद्द किया गया। लेकिन केन केन प्रकरण जो भी है वो यहाँ आए। उसके बाद फिर जमनालाल बजाज जी से मिले। जमनालाल बजाज जी ने ये भी उनसे कहा था कि देखो, करंजिया में 5 यूरोपियन गए थे जिसमें 4 मर गए, अब तुम भी जाके मरोगे क्या, ऐसा करके उन पर उन्होंने कमेंट भी किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा। और उनके जो साथी थे सामराव हिवाले, जो औरंगाबाद के काफी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे, उनके फादर जिनके नाम से एक कॉलेज भी है, तो उनके पुत्र हैं थे वो, उनके साथ उनकी काफी मित्रता थी। तो दोनों वो 15 दिन में वहां पहुंचे। उसके बाद करंजिया में उन्होंने एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया और आश्रम स्थापित करके वहां पर लोगों को एक कहने का तात्पर्य है कि जीने का तरीका, स्वच्छता और खान पान, रहन सहन, सब चीज के लिए उन्होंने धीरे धीरे प्रेरित किया और उन्होंने सिखाया भी। फिर उनकी शादी मेरी मासी, बड़ी मासी थी, उनके साथ हुई और हमारे गांव में उन्होंने करीब 10-10 वर्ष बिताए। और उस दौरान उन्होंने देखा कि किस तरह से जो आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ की परंपरा है, इनके आचार व्यवहार है, रहन सहन है, खान पान है, उन सब को लेकर के उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम आप जैसे बताए कि लिव फ्रॉम द जंगल, एक्चुअली उसका नाम था टाइटल, बाद में वो हिंदी रूपांतरण उसका किया गया। वो 1953 में पब्लिश हुआ था, लेकिन उसके पहले उन्होंने और भी किताबें लिखी थी जो माफ कीजिएगा, सामराव हिवाले ने एक किताब लिखी थी द परधान्स ऑफ द अपर नर्मदा वैली, जो 1946 में पब्लिश हुई थी। तो ये किताबों के कारण जो है कला, मैं इसमें एक दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से गोंड कला को उन्होंने एक दर्पण दिखाया किताब के माध्यम से। तो ये देखेंगे आप कि ये किस तरह से चित्रित है ये, और ये बहुत पुराना है, 1930 के आसपास का है, तो 30 के दशक का है ये। और उसके अलावा जो मुखौटे हैं ये इस तरह से उन्होंने पूरे किताब में जो भी हमारा कल्चर है गोंड का, उनके रहन सहन, खान पान और उनकी जीवन को भी उन्होंने बताया कि मैं कैसे उनके साथ रहा, किस तरह से उनके साथ काम किया, ये सारे चीज़ों को लेकर के उन्होंने किताब लिखी, जिसके माध्यम से जो है कि गोंड कला का स्वरूप सामने आया और जिसे स्वामीनाथन जी ने बाद में पढ़ करके या उसे देख करके उस जगह पर दोबारा कलाकारों के लिए खोज के लिए भेजा। तो इस तरह से जो योगदान रहा, एल्विन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने हमारी जो कला है उसके ऊपर उन्होंने किताब के माध्यम से लिखा और वो लिखने के कारण ही हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला। अब
अब हमें थोड़ा गोंड ट्राइब और उससे गोंड ट्राइबल उससे जुड़ी गोंड ट्राइबल आर्ट की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। आपकी राय में क्या इस कला में तब से अब तक कोई परिवर्तन भी आया है? जी हाँ, बहुत परिवर्तन आया है। सर्वप्रथम जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि किस तरह से फ्लैट कलर से एक आकृति बनी हुई होती थी, और चूंकि जब भारत भवन में सबसे पहले जंगन सिंह श्याम जब 80 के दशक में आए तो उन्हें पेपर कलर, उस समय पोस्टर कलर हुआ करते थे और एक्रिलिक नहीं होता था, दूसरे कैनवास नहीं होते थे, तो पोस्टर कलर में काम करते थे, और मैंने खुद काम किया पोस्टर कलर में, तो पोस्टर कलर से काम करने का एक मजा होता था। दूसरा, जो ब्राउन कलर जैसा एक पेपर आता था, वाइट पेपर भी बहुत आसानी से नहीं मिलता था, उन सब में किस तरह का रंग प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जो है निरंतर पाँव में पांच रंगों से काम करते थे, जैसे कि आप देखें इंडियन रेड जो ब्राउन कलर हम कह सकते हैं जो गेरू से बनता था, उसके अलावा टेसू के पेड़ से लाल और पीला रंग बनता था, और सेम की पत्ती से हरा रंग, तो ये और एक जो मिट्टी है उससे सफ़ेद और काला, तो दो तरह का, और एक रामरज मिट्टी भी कहते थे जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम है, वहाँ के पर्वत पे मैकल पर्वत में मिलता है, उस मिट्टी को अगर हम भून देते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, थोड़ा सा पहले येलो रहता है लेकिन उसको रोस्ट करने से वो ब्राउन हो जाता है, तो ऐसे वो हम वो सिर्फ रंगों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ आने पर हमें विविध रंगों का प्रयोग करने का मौका मिला, जो अलग अलग उसके बाद उसको मिक्स करने का तरीका, क्योंकि उन्होंने जंगन सिंह श्याम ने जिस तरह से स्क्रीन के ऊपर काम किया या डिथो में काम किया, तो उनको रंगों के बारे में धीरे धीरे अनुभव हुआ, उनका नॉलेज हुआ, और वो नॉलेज को लेकर के उन्होंने अपने पेंटिंग में उसका प्रयोग किया, और प्रयोग किया तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो डॉट का स्वरूप है, जैसे आपने मुखौटों में देखा कि किस तरह से डॉट, तो ये जो बिंदु है, बिंदु हमेशा से शायद गोंडों में रहा है, और ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल आर्ट से भी है, और चूंकि इसके पहले ये सब जितना भी हम आज एशिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या जो भी बात करते हैं, ये सब दो लैंड में था, दो बड़े महाद्वीप के रूप में था जिसको लॉरेशिया और गोंडवाना कहा जाता था, तो ये सब चीज़ें वहाँ एकत्रित थी, और ये जो बिंदु है, बिंदु कहीं ना कहीं से हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो बिंदु को लेकर के जनगण ने प्रयोग किया, और बिंदु के साथ में एक नया रास्ता तैयार किया, जो डिज़ाइन जिसको हम आज सेमी सर्कल कह सकते हैं या उस तरह के डिज़ाइन जो हैं, अलग अलग तरीके से उन्होंने उसका प्रयोग करके और एक नए रूप को प्रस्तुत किया, तो जब नए रूप को प्रस्तुत किया तो लोगों में आकर्षण पैदा हुआ, और उन्होंने उसको बहुत सराहा, बहुत जल्दी उन्हें शिखर सम्मान मध्य प्रदेश का मिला, उसके बाद वो विदेश गए, फ्रांस गए, जिस जहाँ पर उन्हें धरती का जादूगर के नाम से जाना गया 1989 में, और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ जो उनके अनुयायी हैं या उनके साथ में काम करने वाले जिसमें मैं भी था और भी कलाकार हैं, तो वो जुड़ते गए, तो जब जुड़ते गए तो उनमें आपस में विद्रोह हुआ कि आप सिर्फ बिंदु, एक व्यक्ति बिंदु करेगा तो दूसरा कोई अपना एक नया डिज़ाइन करे, अपना एक प्रयोग दूसरा तरह का डिज़ाइन प्रयोग करे, ताकि इसमें भिन्नता आए, और मैं उनका उसका श्रेय जो है जनगण सिंह श्याम को दूंगा, क्योंकि मेरे चाचा जी थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर जब तक आप अपना नया तरीका नहीं खोजेंगे, अपना नया रूप नहीं लाएंगे, तब तक आपको अपने नाम से या आपकी कला से नहीं जाना जाएगा, इसलिए इसमें सभी कलाकारों का एक अलग, जिसको हम सिग्नेचर कह सकते हैं या
आर्ट स्टाइल कह सकते हैं, तो ये पूरी तरह से एकदम बिल्कुल समकालीन हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया। जो धरातल में था वो धरातल से हट करके कहानियों से किस्सों के साथ जो बनता था वो आज भी बनता है, लेकिन एक नए चेतन, नव चेतन और नए कलेवर के साथ वो प्रस्तुत हुआ। तो बहुत सारी भिन्नता आई है बीच बीच में, और उसका श्रेय जाता है बहुत सारे पब्लिशर जो हैं, बहुत सारे राइटर जो हैं, क्रिटिक्स हैं, उन सबको जाता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जनगढ़ सिंह श्याम, जो आपके चाचा जी भी लगते थे, वो गोंड आर्ट के सबसे प्रतिष्ठित कलाकार माने जाते हैं। वो पहली बार कहाँ से पहचान में आए, थोड़ा उनके जीवन और गोंड कला में उनके योगदान के बारे में हमें बताएं। मैं थोड़ा पहले भी बताया इस बात को, 1980 के दशक में जब भारत भवन बन रहा था और भारत भवन के जो डायरेक्टर जगदीश स्वामीनाथन थे और अशोक वाजपेयी जी थे, उन्होंने उस समय जो स्काउट भेजे जो कलाकारों की खोज के लिए, उन्होंने जाकर के जैसे अलग अलग क्षेत्र में, मंडला जिले में या पश्चिमी मध्य प्रदेश में या अलग अलग जगहों पे जाकर के उन्होंने कलाकारों को खोजा। उनमें से जनगण सिंह श्याम एक थे, हील कलाकार भी आए थे उसमें, और भी कलाकार आए थे, छत्तीसगढ़ से भी कलाकार आए थे, लेकिन उसमें ऐसे जनगण सिंह श्याम जो थे वो अकेले डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट आज जो हम कह सकते हैं वहाँ से सर्वप्रथम वो कलाकार थे। और उन्होंने उन्हें इसलिए लाया गया क्योंकि उन्होंने दीवार पर एक हनुमान का चित्र बनाया था, और जो हनुमान का चित्र वहाँ जो बनाए थे उसको उन्होंने वहाँ तो जैसा बनाया बनाया था, लेकिन जब भोपाल आए और भोपाल में उनसे कहा गया कि जब जो आपने दीवार पर हनुमान बनाया था वो वापस बनाइए, तो उन्होंने वो हनुमान नहीं बनाया, उन्होंने दूसरा बना दिया। क्योंकि गोंड कला में कॉपी करने की पद्धति या कॉपी करने की कला या हूबहू बनाने की कला नहीं है। अभी हम थोड़ा सा सभ्य हो गए हैं ये कह सकते हैं, या थोड़ा हम जानते हैं तो हम शायद कॉपी कर सकते हैं, या जिसके पास रियलिस्टिक अप्रोच रहा हो, जैसे कि मैंने बहुत साइन बोर्ड, होर्डिंग, बिल बोर्ड किया है, 10 साल तक के किया है, तो मैं पोर्ट्रेट भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं है वो नहीं कर सकता। और जितने भी गोंड कलाकार हैं वो शायद उस बात को नहीं कर सकते, लेकिन आज के जनरेशन में जो नए कलाकार हैं जो थोड़ा पढ़ के आ रहे हैं या बीएफए करके आ रहे हैं तो वो कर सकते हैं। और दूसरा मेरा एक विशेष इसमें बात है कि यह गोंड कला नहीं है, मैं इसको जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि सर्वप्रथम इसे भित्ति चित्र के नाम से जाना जाता था। जब मुझे पुरस्कार मिला तो उसमें इसे विविध कहा गया, विविध कला है ना। और उसके बाद जब चाचा जी जनगण सिंह श्याम की जब मृत्यु हुई 2001 में, जब जापान वो गए और बहुत बार जा चुके थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों आत्महत्या की, इसके बारे में अभी तक के हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और हम जान भी नहीं पा रहे हैं। तो उस दौरान जो है उन्होंने, माफ कीजिए मैं वरुण जी, हम कहाँ, सॉरी जी, हम चर्चा कर रहे थे भाई जनगढ़ जी के जीवन के बारे में। हाँ, तो हनुमान को उन्होंने, माफ कीजिए, हनुमान को उन्होंने दूसरे रूप में यहाँ बना दिया, और दूसरा बनाने के कारण उनको स्वामीनाथन जी ने कहा कि तुम तो ऐसे बनाए थे, यहाँ कैसे बनाए, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं ऐसा नहीं बना सकता स्वामी जी, मुझे कॉपी करना नहीं आता। और उसके बाद उन्होंने निरंतर अलग अलग तरह से काम करना शुरू किया, एचिंग किया, लिथो किया, प्रिंट में काम किया, बहुत सारे काम किए, और बहुत जल्दी ही उनको शिखर सम्मान 1986 में मिल गया, जब वो बहुत कम उम्र के थे। और उसके बाद उनको देश विदेश में, दुनिया में उनकी कला को जाना जाने लगा, और इस तरह से उनकी जो कला यात्रा थी बहुत कम समय में, यानी कि उनकी जब 40 वर्ष की आयु थी तभी वो
दुनिया को अलविदा कह चुके और उसके पहले, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इतना कला की दुनिया में एक नया नाम स्थापित कर दिया था जिसको गोंड के नाम से जानने लगे। लेकिन पहले इसे भित्ति चित्र या और विविध कला कहते थे। जी जी, जैसा आपने अपने एक एप्टेट कॉन्फ्रेंस में बताया था, कला ही आपकी पहचान दर्शाती है, तो अब हम आपकी कला यात्रा के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। जी, जिस तरह से मुझे उनका सानिध्य मिला जनगण सिंह श्याम का, और सानिध्य मिलने के बाद में फिर मैंने अपने आप को तरासने का प्रयास किया, लेकिन उस दौरान बहुत सारी गैलरियां या कला प्रेमी हैं वो सभी कहते थे कि हम नहीं, हम छोटे या नए कलाकार को हम मौका नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ जनगण को जानते हैं। इस तरह से बहुत मुश्किलात के बाद मैंने थोड़ा तो धीरे धीरे करके अपनी प्रदर्शनियाँ या अपने चित्रों का प्रदर्शन हिंदुस्तान के कई कोनों में किया, और उसके बाद फिर काफ़ी समय मुझे लगा तब जाकर के मैं कहीं बाहर की दुनिया में भी अपने चित्रों का प्रदर्शन किया। मैं हिंदुस्तान से एक पूरी दुनिया से कहूँ, जब सापाहन में मुझे बुलाया गया, जो इंडिजिनस आर्ट का शो हुआ था, जो पूरी दुनिया के इंडिजिनस आर्टिस्टों को बुलाया गया था, वहाँ पर उनकी कलाओं को प्रदर्शित किया गया था, और करीब 70 आर्टिस्ट वहाँ पे आए थे, लेकिन 200 कलाकारों को वहाँ आमंत्रित किया गया था उनके चित्रों को, जिसमें मेरा स्थान सर्वप्रथम रहा, और मुझे वहाँ पे मेरे उद्भाषण के लिए कहा गया, मतलब मेरे कला के बारे में बोलने के लिए। तो ये मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि वहाँ जाकर के मुझे बोलने का मौका मिला पूरी दुनिया के कलाकारों के बीच में, और वो भी गोंड कला के बारे में। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग मुझे जानने लगे। फिर उसके बाद बहुत समय तो ऐसा होता था कि आप ऐसा क्या करते हैं, आप इसकी कीमत तो इसमें रंग कितना लगा होगा, ये पेपर की कीमत तो 10 रुपये का है, आप इसको इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। तो तब वो समय था जब 22-28 और मतलब 22 इंच बाई 30 इंच का जो पेपर का साइज होता था, उस पेंटिंग की कीमत मात्र 250 रुपये हुआ करती थी, और 250 रुपये भी देने के लिए लोग कहते थे कि हम ये 250 रुपये क्यों दें, इसमें कितना रंग लगा है, इसमें ये तो बच्चे की तरह है इस बना हुआ है, और ऐसा कैसे आप इसको बेच सकते हैं। तो बड़ा दुख होता था। तब मैंने सोचा और चाहा कि मैं क्यों ना एक किताब लिखूं, जिसके माध्यम से लोगों को समझाया जा सके कि आखिर कला की कीमत क्या होती है, और कला एक धरोहर है, ना कि कहीं से उसको खरीद लिया जाए, खरीदा जा सकता है, लेकिन उसको किसी से सीखना या परंपरागत रूप से वो किसी के अंदर जो निहित है उसे एकदम से जान जाना बहुत कठिन है। तो फिर किताब मैंने लिखी, जिस किताब का नाम फाइंडिंग माय वे है, और उस किताब को मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है वेंकटरमण सिंह श्याम, और इसमें जो को-ऑथर है वो एस आनंद है। ये 2016 में प्रकाशित हुई, और इसके माध्यम से फिर मैंने काफ़ी कुछ कहा, काफ़ी कुछ बताया कि कला क्या है, किस तरह से उसकी कला मतलब उसका रूप परिवर्तन होता है, वो जहाँ जाता है उसके आधार पे वो कैसे उसके स्वरूप बदलते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर के किताब मैंने लिखा, और मेरे मित्र ने उसमें बहुत सहयोग किया। तो इस प्रकार से मुझे एक नया रास्ता, नया प्लेटफॉर्म कहें या नई दिशा मिली, जिससे मैं अच्छे से अच्छा काम कर सका, और आप लोगों के सामने आज भी कार्यरत हूँ। जी जी,
इस कला को चुनने के लिए आपकी कोई ऐसी विशेष प्रेरणा थी? ऐसा कि हम देखते हैं आपकी लगभग सभी जो कलाकृतियां हैं उसमें प्रकृति मेन दिखाई देती है हमें, फिर हमें आपकी पेंटिंग में पेड़ों और जानवरों की तस्वीरें मूल रूप से देखने को मिलती हैं। कला के इस जी रूप का मकसद क्या है? आपकी कुछ पेंटिंग्स अगर आप दिखा सकें जिसपे जिसमें ये चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर धरती माता जो है, जी जो इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे पानी है, ऊपर पेड़ पौधे हैं, उसके हाथ में बहुत सारे जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, जी उसके गले में एक माला है ना, ये धरती माता है जो हमको पोषित करती है। और धरती माता आंख बंद करके ये सब कुछ देती है ना। और चूंकि मेरा जन्म, मैं इसलिए प्रकृति के करीब, जो प्रकृति के चित्रण होते हैं या प्रकृति से संबंधित मेरे पेंटिंग्स होते हैं, उसका कारण है क्योंकि जो आपने रुडयार्ड किपलिंग का नाम तो सुना ही होगा, और जी है ना, तो जंगल बुक जिन्होंने लिखी, वो जी दरअसल जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उसी के किनारे से वो जंगल लगता है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जो आज कान्हा है या सिवनी है, वो सब एक एरिया है जो कान्हा फॉरेस्ट है, वाइल्ड सेंचुरी जिसको हम जानते हैं। जी वहाँ पर मैंने अपने आंखों के सामने शेर, भालू, चीते, और यहाँ तक कि मैंने हिरण के बच्चे को पकड़ने का भी प्रयास किया कि ये इतना सुंदर बछड़ा कैसे है करके। दूसरा, हाइना को मैंने हाथ से छू छू करके देखा है। तो जी मतलब मैं प्रकृति से इतना नजदीक रहा हूं। दूसरा, पवित्र नदियां जो मेरे घर के पास में ही बहती थी, और जल उसका एकदम साफ निर्मल, और घने जंगल, मतलब सारे जीव जंतु, जो भी जंगली जीव जंतु हैं, मैंने उनको आंखों से देखा है, जिसको हम जैकॉल बोलते हैं, भेड़िया बोलते हैं, या जो जंगली बिल्ली है, ये सब मैंने आंखों से इतने बार देखे हैं। क्योंकि हम जंगल जाते थे लकड़ी के लिए पिताजी के साथ में, तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो जाता था, इतना घना जंगल होता था। तो ये वो मेरे संस्मरण, जो जिनको मैं कह सकता हूँ मेरे स्मरण शक्ति में, वो आज भी विराजमान है और वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। वो खूबसूरती मेरे मन में विचरित होते रहती हैं, और उन्हें मैं हमेशा लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि हम, मैं मानता हूँ, और ये सभी कलाकार, जो चाहे वो कोई हो, वो अपनी पुरानी जो स्मरण शक्ति होती है, जो पुराना जीवन, जो बचपना जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड जो होता है, उस समय की जो यादें होती हैं, उन यादों के साथ में वो काम करता है, और वही यादें उसको आगे तक लेके जाती है। क्योंकि अगर आज हम अभी जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, हम इस स्थिति में कुछ नहीं खोज पाएंगे, हम पुराने को ही एक नए रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं। तो ये इसलिए मेरे मन में वो चीजें रही हैं। और दूसरा, आज के समय में आप देख पा रहे हैं इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है, आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी समस्या जिसको हम देख पा रहे हैं, जी कोरोना जो है वो महामारी के रूप में पूरा विश्व में फैला हुआ है। तो ऐसी ही बातों को लेकर के मैंने पेंटिंग में काम किया है। इसमें मैंने धरती माता को दिखाया है कि उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उसका हमें आदर करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, पर्यावरण को हमें संरक्षित करना चाहिए, ताकि जिस तरह से जीव जंतु उसके पूरे शरीर में, आप देख रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, ऐसे जी पूरे जीव जंतु विचरण कर सकें। क्योंकि हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अतिक्रमण करना जारी रखा हुआ है। हम जी जितनी ज्यादा हो सके अपने अपनी सुविधाओं के लिए घने से घने जंगल, बड़ी से बड़ी नदियां, पहाड़, सब खोद खोद के हम समान कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा संदेश है कला के माध्यम से, कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग उसको समझें और प्रकृति के प्रति अपना योगदान दें। जी और कोई पेंटिंग आपकी?
जो हम देख सकते हैं। के लिए थोड़ा समय ले रहा है तो मैं ले में जी जी आप उसके बारे में ऐसे ही बता देंगे जब जी जी ओपन हो जाए। जी है जी आ गया ये जो महामारी है कोरोना महामारी उसके बारे में है कि किस तरह से लोग प्रभावित हुए हैं पूरी दुनिया उससे प्रभावित ये है। सिर्फ पेंटिंग है उसको आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? जी सिर्फ पेंटिंग को आप स्क्रीन कर दीजिए बाकी चीजों को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। जी हम क्लियर थोड़ा देख पा रहे हैं। जी ये देख पा रहे हैं इसमें कि किस तरह से जी, 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 अब ये शेयर नहीं हो रहा है माफ कीजिएगा। नहीं ठीक है आप बताएं। हाँ ये पक्षियां जिस तरह से पिंजड़े में रहते हैं वैसे लोगों को पिंजड़े में रहने के लिए मतलब कहा जा रहा है कि आप इस तरह से रहिए घर के अंदर कैद रहिए बाहर ना निकलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ये बार बार हाथ धोइए या लोगों से हाथ ना मिलाएं ये सब चीज है लेकिन क्या इसके बावजूद भी वो महामारी रुक रही है? तो ये जो मैं बीच में एक चित्र दिखा रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो काल है वो कहाँ बैठेगा जाकर के ये कहा नहीं जा सकता। हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी दुनिया देख पा रहे हैं पूरी दुनिया में वो कहाँ कहाँ विचरण कर रहा है तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो जीवाणु जो विषाणु जो है विष जो है ये यहाँ एक पक्षी देख पा रहे हैं आप ब्लू कलर में अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई दे रहे हैं तो ये एक प्रकार का ड्रैगन है जो उड़ रहा है जो चाइना से निकला तो ये कहाँ कहाँ जा रहा है कैसे कैसे भ्रमित कर रहा है लोगों को या खुद भ्रमण कर रहा है और कहाँ बैठेगा इसका अंदाजा हमें नहीं ये उसके बारे में मैं बताया। तो कुछ मेरे विषय ऐसे होते हैं जिसमें हम आज के समय के भी ऊपर काम करते हैं जो आज का विषय है आज की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके ऊपर मैंने काम किया है। उसके अलावा जैसे कि 2012 में जिस तरह से बहुत विभत्स और भयावह जो घटना हुई थी दिल्ली में जो रेप हुआ था जी। उसके बारे में भी मैंने किया क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो उसके बारे में भी पेंटिंग की। उसके अलावा भी हमारे जो कल्चर में जो भी हैं जो जिस तरह के इंदंतियां हैं लोकोक्ति हैं और जो मिथ हैं उनके ऊपर भी मैंने पेंटिंग बनाए हैं और बनाते रहता हूं। मूल रूप से प्रकृति उसमें समाहित रहता है और प्रकृति से रिलेटेड ही मैंने पेंटिंग किया। बहुत जी बहुत धन्यवाद। आपने कोरोना काल की बात की है तो एक प्रश्न आ रहा है इसी समय से रिलेटेड तो मैं आपसे अभी पूछ लेता हूँ। नवायन पब्लिशिंग कोई एक प्रकाशन हाउस है उन्होंने पूछा है वेंकट जी आप खुद कलाकार बनने दिल्ली आए थे और यहाँ पर एक माइग्रेंट वर्कर बन गए आज जो हम भारत में गरीब मजदूरों के साथ होता देख रहे हैं उसमें आपके क्या विचार है? ये बहुत दुखद है नवयाना से पब्लिशिंग अच्छा जी जी आनंद जी हैं धन्यवाद आनंद जी। मैं देखिए मैं खुद माइग्रेंट लेबर रहा हूँ और
और मैंने एक दो साल मैंने लेबर की तरह काम किया है, तो मैं दर्द समझ सकता हूँ कि आवश्यकता, मतलब एक तो मितव्ययता जिसको बोलते हैं, कम साधन में किस तरह से जीवन वो जीते हैं जी। क्योंकि उनके पास एक जोड़ा कपड़ा होता है और खाने बनाने के एक दो बर्तन और रहने, तो जिस तरह से वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, लोकोक्ति जिसको कह सकते हैं, बिच्छू का डेरा पीठ में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लेबर है वो अपना सामान अपने पीठ में लाद करके कहीं भी चला जाता है, और ये बहुत दुखद है कि उनके लिए सरकार से, मतलब अपेक्षा नहीं कह सकता मैं, लेकिन काम करते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस बात का ज्ञान नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास सूचना का माध्यम नहीं है, वो क्या करे, जिसके जिनको फैक्ट्रियों में कैद कर दिया गया, बड़े मुश्किल से वो निकल करके किसी ना किसी रास्ते आग रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं भी उस दुख का हिस्सा रहा हूँ कभी दिल्ली में रहा जब, तो मैं ये बात जानता हूँ कि उन्हें किसी भी तरह से, चाहे वो जिस प्रदेश से गुजर रहे हों या जहाँ से भी गुजर रहे हों, तो सभी जनता जो भी उन्हें देखे उनका सहयोग करे, उनकी इज्जत करे, क्योंकि लेबर ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं या किसी बड़े भवन में रह रहे हैं, या आपको कोई अच्छी चीज़ अगर मिल रही है, आज हम अच्छे सड़क पे चल रहे हैं, तो वो उसी का बनाया हुआ है, और उसकी जो निर्माता जिसको हम कह सकते हैं, वो निर्माता है, वो राष्ट्र निर्माता है, वो देश का निर्माता है, हम नहीं हैं। वो एक जिसे हम अपने हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो उसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी कतई, मतलब मुझे पसंद नहीं है, ना हमें करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए बहुत कुछ देता है, तो कम से कम उनके लिए नीतियां बने, उनके लिए कुछ योगदान दिया जाए, ताकि आगे भविष्य में उनके प्रति सहानुभूति बनी रहे और उनको नया अवसर जीने का मिले। जी जी जी, हम आशा करते हैं कि स्थिति जल्दी सुधरेगी और इस समस्या से हम जल्दी बाहर आएंगे। अब हम थोड़ी बात करना चाहेंगे जापान, यूरोप, अमेरिका, वहाँ के म्यूजियम्स में गोंड पेंटिंग्स की बहुत सराहना की जाती है, उन्हें यह पेंटिंग्स इतनी पसंद क्यों हैं, और उनको ऐसी कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत स्ट्राइक करती है इस आर्ट के बारे में? देखिए, क्योंकि गोंड कला में विशेष रूप से प्रकृति पे चित्रण होता है, मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप जिस तरह से पेड़ है, और उसमें मतलब एक कहानी है जो क्रिएशन को लेकर के है, उसके ऊपर मैंने चित्रण किया हुआ है, तो क्योंकि उन लोगों को हमारे जीवन के बारे में वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका खुद का अस्तित्व नहीं है, उन लोगों को अपने बारे में जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे पेंटिंग के माध्यम से हो या किताब के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, उसमें खासकर चित्रण यानी कि पेंटिंग जो है, पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें दोनों बातें हो, कहानी भी होती है और खास करके जो गोंड पेंटिंग, तो इसमें कहानी भी होती है और उसका चित्रण भी होता है, तो दोनों बात आसानी से समझाया जा सकता है, दोनों बातों को आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए वहाँ के लोगों को वो बात बहुत प्यारी लगती है, और इस कारण से वो चित्रों को पसंद भी करते हैं और उसको अपने संग्रह में रखना भी चाहते हैं, कारण कि किसी भी पेंटिंग के पीछे उसकी कहानी होती है, और कहानी इतनी क्या आप कह सकते हैं उसको, जिसमें ऑथेंटिक, मैं कह सकता हूँ उसको ऑथेंटिक होती कहानी, कि उन्हें वो शोध के द्वारा या लेख के द्वारा या किताब के द्वारा थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं, जैसे या तो ग्रंथों के द्वारा उसकी बारे में उनको जानकारी होती है, और जो गोंड है
क्योंकि हमारी वाचक परंपरा रही है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बोल करके और कह करके ये सब सारी कथाएं कहते हैं, और सारी जो चाहे उस सृष्टि के निर्माण का हो, चाहे मनुष्य के जन्म की गाथा हो या प्रकृति के जन्म की गाथा हो, तो ये गाथाएं जो हैं हमें माउथ टू माउथ हम लोग एक दूसरे को पास कर रहे हैं। अब धीरे धीरे किताबों में आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं हजारों साल से पीढ़ी दर पीढ़ी माउथ टू माउथ पास होते जा रहा है, और यही उसी बात को हम बताते जाते हैं। तो ये सब चीजें किंवदंती जिसको कहते हैं, कैसे लोगों को प्रभावित कर, उन लोगों को ये हमारी कहानियां ही प्रभावित करती है, और चित्रण उसके साथ चित्र। ऐसा कोई आपका संस्मरण जो आपके आपने बहुत देशों की यात्राएं की हैं, ऐसा कोई संस्मरण आप हमें बताना चाहते हैं जो आपको आपके जीवन में काफी विशेष हो? देखिए, मैं विदेशों की यात्रा मैंने बहुत की है, लेकिन मेरे साथ में अलग अलग जगह से जैसे कि मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में राइटर फेस्टिवल में, तो वहाँ पे दलित राइटर फेस्टिवल जो हुआ था उसमें जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हुई जो मेरे लिए स्मरणीय है। उसके अलावा मैं एक बात जो बताना चाहूँगा, जो शाकाहान जो कनाडा में जब मैं गया था, तो चूंकि हमारे यहाँ एक छोटा सा मिलन के पहले, या हम जैसे नमस्कार कहते हैं या अभिवादन करते हैं, तो हमारा जो अभिवादन का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं जोहार। अच्छा, जो जोहार है वो एक आत्मीय जय सेवा जोहार से होता है अभिनंदन, और एक जो मेरा हमारे यहाँ कर्मा गीत बहुत प्रसिद्ध है, वो कर्मा गीत को हमेशा मैं गाता भी हूँ, और मेरे सुनने वाले शायद बहुत से लोग जो देख रहे हैं मुझे उन्होंने सुना भी होगा कि कर्मा के पोतीला धर्मा भी सर के आया हूँ लागा हूँ करा में गतीला भगवान लागा हूँ करा में गतीला। तो ये कर्मा के पोथीला मतलब जो ज्ञान का जो भंडार, जो ज्ञान का जो किताब है, उस पोथी यानी कि बहुत बड़ा ग्रंथ, तो उस ग्रंथ को तो मैं घर में भूल के आ गया। मेरे पूर्वज जिनको हम कहते हैं हमारे पूर्वजों से हमने सीखा, तो उनके पास वो ग्रंथ है, और उस ग्रंथ से मैं कुछ नहीं लाया, तो मैं उसे भूल के आ गया, मैं क्या बताऊं। तो ये संस्मरण मेरे लिए जो मैं बता रहा हूँ ये बस इस तरह के हैं। तो कनाडा में जब मैं ये गाया तो लोग चकित हो गए, उन्होंने सोचा कि ये इंग्लिश में भाषण दे रहा देने वाला है, ये कौन सी भाषा में गीत गाने लगा। तो क्या इस तरह के मतलब एक दो जगह मेरे संस्मरण रहे हैं जो मतलब मैं जिन्हें भुला नहीं सकता, वो बहुत ही मेरे मन को हमेशा तरोताजा कर देते हैं, और वो बात हमेशा मेरे मन में बनी रहती है। तो ऐसे रहे हैं मेरे को। जी, आप स्पीक मैक्से के साथ कुछ सालों से जुड़े हुए हैं, हमारे कन्वेंशंस अलग अलग कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन, स्टेट कन्वेंशंस में भी आप जाते रहे हैं, आप वर्कशॉप्स आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए हैं। आजकल के युवा जो हैं, आप उनमें क्या इंटरेस्ट देखते हैं, ट्राइबल आर्ट को इंटरेस्ट कैसा है उनके अंदर, और हम बच्चों के थ्रू ये जो गोंड आर्ट का मैसेज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हम उस मैसेज को कैसे आगे ले जा सकते हैं अगली पीढ़ी तक? स्पीक मैके में जुड़ने का जो मुझे श्रेय मिला या वहां से जुड़ने का जो मौका मिला, उसमें नीरजा सरीन जी हैं जिन्होंने मेरे एग्जीबिशन में आकर के मुझे देखा, कई बार मुझे मिल करके मुझसे बातें की, और उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा कि हम कला को लेकर के
जो आदिवासी कला है या फोक आर्ट है उसको लेकर के हम कुछ वर्कशॉप अपने कन्वेंशन में करना चाहते हैं, आप आना चाहेंगे तो पिछले 7-8 सालों के दौरान, मतलब मैं 8 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और हालांकि 10 वर्षों से, मतलब विगत 10 वर्षों से नीरजा जी से हम मुलाकात करते आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि उसके पहले मैं कुछ स्कूलों में कॉलेजों में अपना प्रदर्शन कर चुका था, तो मुझे अनुभव था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उनके माध्यम से, नीरजा जी के माध्यम से मुझे टिक मैके में आने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज के युवाओं के लिए जो है, मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग आकर्षित होते हैं, जानते हैं, क्योंकि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है और मुट्ठी में होने के कारण से कुछ उसमें भ्रमित भी हैं और कुछ उसके बारे में जानने की भी इच्छा रखते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं। जो अध्ययन करना चाहते हैं वो लोग, और जो अध्ययन करना नहीं भी चाहते, लेकिन जो कला से जुड़े हुए लोग हैं, आए दिन मेरे पास में बहुत सारे संदेश आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से या कहीं और के माध्यम से मुझे पूछते हैं कि हमें पेंटिंग सीखना है, हमें पेंटिंग सिखा देंगे क्या। अभी मैं ऑनलाइन पेंटिंग भी सिखा रहा हूँ, पेंटिंग वर्कशॉप भी ले रहा हूँ। पहला मेरा जो वर्कशॉप हुआ था उसमें लगभग 8 देशों से, अमेरिका से, सिंगापुर से, अलग अलग जगह से, लंदन से, काफ़ी लोगों ने, यहाँ तक के मलेशिया से, ये सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। और मतलब टाइम अलग होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ज्वाइन करके पेंटिंग सीखा। तो आज के परिवेश में, जो कि गोंड आर्ट सबसे कम समय में, मैं गोंड आर्ट नहीं कहना चाहता लेकिन इसके लिए अब इसको बदल नहीं सकता मैं, तो इसे सीखने के लिए इतने सारे लोग इच्छुक हैं और चाहते हैं कि हम भी गोंड कला करें ऐसा, क्योंकि इसमें जिस तरह से नयापन है, इसमें रंगों में निखार है, इसमें कहानी है, इसमें हर प्रकार से कुछ ना कुछ नया है और एक भिन्नता है। और दूसरा, ये आज के परिवेश को दर्शाता है, आज के परिवेश के साथ भी चल रहा है, तो इस वजह से इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं और जो जिनको मैंने सिखाया है वो लोग भी कभी कभी मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। मतलब बहुत पहले जिनको मैंने सिखाया, पहली बार जो मेरे कन्वेंशन में मिले, वो आज पेंटिंग टीचर हैं और वो पेंटिंग में कभी ना कभी गोंड कला को इंट्रोड्यूस करते हैं और मुझे अपने स्कूल कॉलेजेस में निमंत्रण भी दे रहे हैं कि सर आप आइए और हमारा वर्कशॉप लीजिए, हमारे स्कूल में वर्कशॉप लीजिए। तो बहुत अच्छा लगता है और एक प्रकार से जागरूकता जिसको हम कह रहे हैं लोगों में आई है, और कला के प्रति ही नहीं वरन समूचे समाज में जो भी बहुत सारे गोंड कला की ही बात नहीं है, मधुबनी है और भी कलाएं हैं, भील है, जो जितनी फोक कलाएं हैं उनके लिए भी लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं और उनको सीखना चाहते हैं। जी जी, इसी से जुड़ा हुआ हमारे एक दर्शक हैं अपेक्षा जी, उन्होंने प्रश्न पूछा है, एक व्यावसायिक संदर्भ की बात करें तो गोंड कला में और क्या बदलाव जरूरी है? प्रश्न फिर से बता पाएंगे स्क्रीन में? एक व्यावसायिक संदर्भ की बात करें तो गोंड कला में और क्या बदलाव जरूरी है? देखिए, व्यवसायिक तो ये पूरी तरह से हो चुका है। अगर आप देखेंगे मात्र इसमें पेंटिंग कैनवास या पेपर पे नहीं बन रहा है अपेक्षा, मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो है गोंड कला को, जैसे टेबल टॉप, ठीक है, पर्स, बटुआ, फिर मोबाइल कवर, उसके बाद में पर्दे, साड़ी, फिर आप मतलब जो भी उपयोग के वस्तुएं हैं उनमें सब में ये रूपांतरित हो रहा है, तो ये व्यवसायिक रूप से चल रहा है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है।
इसमें बस ये है कि जो आकृति है वो आकृति में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्योंकि जिस तरह से हम पूरी सजावट के साथ गोम कला को एक पेंटिंग में दर्शा देते हैं, या मेरे पीछे जो पेंटिंग देख रहे हैं एक कैनवास में ही वो अच्छा लग सकता है, लेकिन एक किसी भी पैनल में या साड़ी के पल्लू में या साड़ी के बॉर्डर में या स्टोल में, दुपट्टे में, स्कार्फ में, ये सब चीजों में भी प्रिंट तो हो रहा है, उसके साथ साथ पेंटिंग भी कर रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं करते एक विषय को लेकर के, जैसे पक्षी है या छोटा सा ब्रांच है पेड़ का या और भी कोई क्रिएचर है, उसको लेकर के हम उसमें उपयुक्त डिजाइन तैयार कर सकते हैं और उसको व्यावसायिक रूप से आगे ले जा सकते हैं, और ये हो रहा है। जी, गरिमा जी का एक प्रश्न आया है, वो पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि पहले मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल होता था क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी हैं, तो आज के टाइम में भी उनका इस्तेमाल होता है क्या, और अगर नहीं होता तो उसका उसकी वजह क्या है? हाँ, ये बहुत नहीं, जो रंग इस्तेमाल होते हैं मतलब उसमें क्या चेंज आए हैं? मिट्टी के रंगों का इस्तेमाल गांव में अभी भी कहीं कहीं होता है, जहां मिट्टी के घर, जी, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है उनके, वो अभी हमें फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे पास समय की कमी है, तो अगर किसी के पास और कोई सवाल हो तो वो लाइव चैट में पोस्ट कर सकते हैं। महिमा जी पूछ रही हैं, हाउ टू ज्वाइन दिस मूवमेंट? महिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मूवमेंट पिछले 43 ईयर्स से चला आ रहा है, तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.speakmeke.org पे विजिट कर सकती हैं, वहाँ जाके आप जानकारी ले लेंगी और वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकती हैं, वहाँ पे वॉलेंटियर सेक्शन होगा, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकती हैं। नेटवर्क इश्यू आ रहा है वेंकट जी की तरफ से। जी वेंकट जी जुड़ नहीं पा रहे हैं हमसे। फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ कनेक्ट करने की। विकट जी, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? इंटरनेट इश्यू की वजह से हम इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे।
एक बार और ट्राई करके देखते हैं। हमारी टेक्निकल टीम इसके साथ टच में है। भी देख पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, आवाज आ पा रही है आपकी? मैं आवाज स्क्रीन पे हूँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा था। जी जी जी, ठीक है। हम लोग आप वीडियो शायद थोड़ा लैग होगा, आप जिस बारे में बता रहे थे प्लीज उसको कंटिन्यू करें। तो मैं बता दूं, है ना, जो प्रश्न था उसको पूरा कर देता हूँ क्योंकि समय लगभग हो गया है। जी, जी, समय भी पूरा हो गया। जी, मिट्टी के रंग जो है वो मिट्टी के घरों में ही उपयोग में लाए। जी वेंकट जी, जी जी ऑफ स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिट्टी के रंग जो है मिट्टी के घरों में ही युग में लाए जा सकते हैं। और आज के चूंकि नए युग में नवीनीकरण के कारण सीमेंट के घर और सीमेंट के भवन बनने लगे हैं, जिसके वजह से जो म्यूरल है या जिस प्रकार से जो महिलाएं घरों को सजाती थी वो नहीं बन पा रहे हैं और वो रंगों का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, कैनवास या पेपर पे उन्हें इस्तेमाल करना कतई भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो थिक कलर होते हैं, दूसरा ड्यूरेबल नहीं है। अच्छा जी, और इसलिए आज के समय में हम लोग, हाँ कुछ रंग ऐसे हैं जिनको परमानेंट हम कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं जानता हूँ कुछ, जैसे कि टेस्ट। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, तो शंकर जी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वेंकट जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स जो यहाँ पे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा स्पिकमेके के बारे में बता दूँ। स्पिकमेके एक स्वयंसेवी संस्था है जिसका जिसकी नींव 1977 में पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ द्वारा आईआईटी दिल्ली में रखी गई थी और तब से लेके आज तक इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ। हमारा उद्देश्य है कि देश के सारे बच्चों तक, जो हमारी अगली पीढ़ी है, हम उन तक अपनी कला और संगीत के बारे में
जिससे वो एक तरीके से बिल्कुल कट गए हैं बहुत सारी वजहों से, उन तक हम ये चीज़ पहुंचा पाएं जिससे कि ये संस्कृति को हम जीवित रख सकें और आगे की पीढ़ी उसको आगे बढ़ा सके। इस उद्देश्य के साथ हम पिछले 43 सालों से कार्य कर रहे हैं और ये पूरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप में से कोई भी इसमें अपना योगदान दे सकता है। हमारी वेबसाइट speakmeke.org पे जाके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं और आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ इसमें वॉलंटियर करने। जिससे संपर्क हो नहीं पा रहा है, समय भी हो चुका है, तो इनसे कुछ और प्रश्न करने की इच्छा थी। वेंकट जी आपको आवाज आ रही है? वेंकट जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और समय की सीमा हम पार कर चुके हैं, तो वेंकट जी का धन्यवाद करते हुए, उन्होंने आज हमसे बहुत सारी जानकारी शेयर की गोंड चित्रकला के बारे में और हमें गोंड चित्रकला को बहुत पास से उसके इतिहास के बारे में और उसके वर्तमान के बारे में जानने का मौका मिला। हम आशा करते हैं जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प मिली होगी आज के सेशन से, और आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैं आप सब वेंकट जी आवाज आ पा रही है आपको? कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, तो हम लोग इस सेशन को यहीं खत्म करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पिकमेके को, आप वेंकट जी को, स्पिकमेके को समर्थन देने के लिए हमारे फाउंडर डॉक्टर किरण सेठ और हमारी सीनियर वॉलंटियर श्रीमती निर्जा सरीन, जिनके बारे में आपने भी बात की, उनका धन्यवाद, वो आपका धन्यवाद करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वेंकट जी और हम सबके बीच आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आपकी तरफ से जो भी सवाल हैं वो मैं वेंकट जी तक पहुंचा दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में हमको ज्वाइन करने के लिए। स्पीकर की तरफ से आप सबको प्रणाम।